लगाने के बाद हम लोग ठेला लेके वहाँ उधर से बढ़े हैं, एरिया में हिलने जा रहे हैं, एरिया में हिलते हैं तो वो गिरे हैं, तो हम दौड़ के आए हैं उठाने के लिए, उठा रहे हैं तो देख रहे हैं ब्लड आ रहा है, तो हम सबको यहाँ मोहल्ला वालों को इकट्ठा किए। मुझे के आसपास कंकड़बाग थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम लोग स्वयं यहाँ पर और थाना की टीम जो है घटनास्थल पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ अजय कुमार। आपको बता दें, राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं, आचार संहिता का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें, राजधानी में आपराधिक घटनाएं घटती नजर आ रही हैं। ताजा मामला आपको बता दें, कंकड़बाग थाना अंतर्गत LIG पार्क का है, जहां पर कि एक वेंडर कर्मी को लाइसेंस युक्त पिस्टल से गोली मार दी गई है। गोली मारने के दौरान स्पॉट पर ही जो वेंडर कर्मी थे उनकी मौत हो चुकी है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो घटनास्थल है जहाँ पर जो वेंडर कर्मी हैं उन्हें लाइसेंस के नुमा पिस्टल्स के द्वारा गोली मारी गई थी। गोली मारने के बाद जो वेंडर थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और दल बल के साथ कंकड़बाग की थाना पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है और साक्ष्य इकट्ठा करने में अब जुट गई है। अब देखना यह होगा कि राजधानी में यह खूनी खेल कब तक रुकने का नाम लेती है, और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। मामला हुआ सर, आए हैं वहाँ से गैस लगाकर, गैस लगाने के बाद हम लोग ठेला लेके वहाँ उधर से बढ़े हैं, एरिया में हिलने जा रहे हैं, एरिया में हिलते हैं तो वो गिरे हैं, तो हम दौड़ के आए हैं उठाने के लिए, उठा रहे हैं तो देख रहे हैं ब्लड आ रहा है, तो हम सबको यहाँ मोहल्ला वालों को इकट्ठा किए, मैनेजर मुंशी को फ़ोन किए, फ़ोन करके हम सबको फिल्टर किए, यहाँ बुलाए, नहीं है पता सर, हम सबको नहीं देखे सब कुछ जी, कुछ नहीं देखे। हमको ठेला के पीछे पीछे थे, हम आगे अपना चलते चल रहे थे, साथ सब दिन ऐसे साथ आगे पीछे चलते हैं, गिरे हैं तो हम उठाने आए हैं, गोली मार दिया गया इनको। गोली कोई मारा? हाँ जी, गोली मारा, एक गोली सर, एक गोली दिमाग में सर। क्या नाम है? रंजीत राहुल। किस चीज में काम करते हैं? एन एम का इंडियन गैस एजेंसी में। 9:30 के इसी टाइम हो रहा है। आपने देखा कि प्रत्यक्षदर्शी ने साफ तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से बताया है कि मैं आगे आगे वेंडर का काम करता हूं, वो हमारे सीनियर थे, काफी दिनों से यह काम वेंडर का काम गैस में कर रहा था, मैं आगे जा रहा था, किसी के द्वारा इनको गोली मार दी गई है। हालांकि उसने बताया है कि मैंने उनको, जिसने गोली मारी है उसे मैं देख नहीं पाया, लेकिन पीछे मुड़ता हूं तो देखता हूं कि वो अधमरे पड़े हुए हैं, जिसके पश्चात यहां पर दल बल के साथ पटना पुलिस मौजूद है और ASP स्वीटी सरावत भी इस पर क्या बयान दे रही हैं, जरा देखें। 10 बजे के आसपास कंकड़बाग थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम लोग स्वयं यहां पर और थाना की टीम जो है घटनास्थल पर मौजूद है। उसमें जो सामने अभी तक आया है कि रंजीत राम, जिनका उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो मूलतः नालंदा के रहने वाले हैं और यहाँ पर कंकड़बाग में रहते थे और गैस सिलेंडर जो है घर पे डिलीवरी करने का जो काम करते थे, उनकी अभी तक जो फुटेजेस चेक किया गया है उसमें सामने आ रहा है कि 2 व्यक्तियों द्वारा बाइक सवार उन पे गोली चलाई, जिससे उनकी हत्या की गई है। अभी जो है परिवार वाले सब कोई यहाँ पर मौजूद हैं, उनको समझाया जा रहा है। अभी तक परिवार वालों की तरफ से किसी पर आशंका या संदेह जो है नहीं जताया गया है। हमारी एक टीम जो है आसपास सभी कैमरों को भी खंगाल रही है, उसमें चेक किया जा रहा है और आगे का अनुसंधान भी जारी किया जाएगा, साथ ही परिवार वालों को समझा कर जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा। क्या साइलेंसर लगा हुआ पिस्टल से? अभी तक ऐसा कुछ तथ्य हमारे पास सामने नहीं आया है, पूरा जांच करके ही हम लोग इस विषय पे ब्रीफ कर पाएंगे। घटना के कारण क्या, कितनी गोली मारी गई है? अभी तक परिवार वालों द्वारा जो है कोई भी संदेह या किसी पर आशंका जो है नहीं बताई गई है, वो अनुसंधान का विषय रहेगा कि घटना का कारण मूलतः क्या रहा है। और जो प्राइमरी फेसी देखने से लग रहा है वो एक गोली लगी है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है और क्लियर हो पाएगा कितनी गोली लगी है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया हुआ है, परिवार वाले जो है वहीं पर मौजूद हैं, तो उसके बाद एक बार वो हट जाते हैं तो अच्छे से क्राइम सीन को और देखा जाएगा। क्या कोई मुआवजे की मांग? परिवार वाले जो है जिनका एजेंसी है उनसे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो लोग अपने स्तर से जो है बात कर रहे हैं। क्या लगता है मैम, एक बार फिर से राजधानी में अपराधियों का लगातार इस तरह का? देखिए, ये जो हत्या का कारण है, एक बार हम लोग स्पष्ट हो के अनुसंधान में कि क्या इसका रीज़न रहा है या नहीं रहा है। साथ ही राजधानी को सुरक्षित करने के लिए बिहार पुलिस जो है सतह है, पटना पुलिस उस पर कार्य हमेशा करती रही है। मैम, अपराधी जो आते हैं मास्क वगैरह या हेलमेट पहने हुए थे? दोनों व्यक्ति जो है बाइक पर हेलमेट पहनकर आए हुए थे। जाहिर सी बात है कि ASP स्वीटी सरावत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं और जांच करने में जुट गई हैं। अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस के हत्थे में जो अपराधी है जिसने गोली चलाई है कब तक चुंगुल में लग पाता है। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।